ग्रामवासियों को प्रेरणा प्रदान करते हुए समर्पण और त्याग और करते हुए आप और हम सभी को नूतन पावन प्रेरणा प्रदान करेंगे। ठीक जो बनना जा रहा है अपने सूरतगढ़ में, मेरा जयपुर में कोई प्रोग्राम किसी के साथ में था, वहां मैं बैठा था, तो वो जो समाज के लोग आए तब उन्होंने किसी एक बड़े जो होस्टल है, ये होस्टल जो है सर्व समाज सर्व धर्म सभी के बच्चे इसमें रहते हैं, तो वो जो कुमार समाज का जो होस्टल उनके जो पात्र जनप्रतिनिधि थे या जो मुख्य नहीं है वहां पर इतना फाइनेंशियली जो खर्चा है वो किया और सर्व समाज के लिए किया, मैं उनको धन्यवाद देते हैं। एक वाइफ के रूप में, एक बच्चों दोनों बच्चियों के रूप में और तेज जी के रूप में जो पारिवारिक बात मैं कर रहा हूँ, ये सभी जो परिवार का जो त्याग और जो इनका अपनापन है, चाहे वो आपकी गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र का हो, बाड़मेर की जनता का हो, या अपने कार्य से जुड़े हुए जैसे डॉक्टर सरोज जी जो हैं, वो तन मन धन से रहेगा, जैसे आप पंडाल में पधार कर व्यवस्थित रूप से अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करने का कष्ट करें। आप सभी का ग्राम पंचायत वीरेंद्र नगर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के शुभ दिन में स्वर्गीय वीरेंद्र जी की 47वीं जयंती के पावन दिवस पर उनकी आदमकद पावन प्रतिमा का, प्रेरणादायक प्रतिमा का अनावरण वीरेंद्र नगर ग्राम पंचायत के इस ग्राम पंचायत भवन के हृदय स्थल पर पावन प्रांगण के अंदर किया गया। जी हाँ, वीरेंद्र जी का संपूर्ण व्यक्तित्व और कर्तृत्व, उनका संपूर्ण जीवन शिक्षा को समर्पित रहा। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के अंदर जिस प्रकार से सरल और सादगी भरा जीवन व्यतीत किया, वो वाकई में आप और हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है। स्वर्गीय वीरेंद्र जी की शख्सियत से सीख लेगी ये नई नस्लें, स्वर्गीय वीरेंद्र जी की शख्सियत से सीख लेगी ये नई नस्लें, मंजिल तक वही पहुंचता है जो अपने पापों के बलबूते पर चलता है। मिटा देता है कोई नाम तक अपने खानदानों के, मगर किसी के नाम से मशहूर होकर ये गांव चलता है। ये संपूर्ण गांव और तमाम ग्रामवासी और उपस्थित सभी महानुभाव स्वर्गीय भूतात्मा स्वर्गीय आत्मा की चिर शांति की परमपिता परमेश्वर